वेटर, वेटर। जी सर। सची पूछे थे तेन वेटर कहने दिल नहीं मानता। मैं तेरा मतलब नहीं समझा सर। जिनी सोहनी यूनिफॉर्म तू पाई है ना, एनी सोहनी के दसा। मैं दुनिया के 50 मुल्क फिरे हुए ने, पर एनी सोहनी यूनिफॉर्म मैं नहीं वेखी। ये सारा कमाल तो शेख साहब का है जी। शेख साहब? जी हाँ, इस रेस्टोरेंट के मालक, उन्होंने तो सारा शहर पछाणदा। लगता है तुसी किधरों बाहरों आए हो। ठीक है, तू मैं शहर च नहीं, इस मुल्क च मोता बाद आया। तो हुक्म करो, नाश्ता करोगे या? वो भी हो जाएगा। पहले मैं जरा उस बंदे नूं मिलना चाहवांगा जिन्हें इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाया शहर च। जी जरूर। ऐ पौड़ियां तुसी चढ़ जाओ, ऐ पौड़ियां मुकदे ही सामने शेख साहब का दफ्तर है। मैं जरा उन्होंने मिल लाऊं, तू मेरे रास्ते अच्छे जे नाश्ता बंदोबस्त कर। ठीक है। जी जी, तो साड़ी बड़ी मेहरबानी, तुसी इस तरह करो कि जोड़ा मैं आर्डर किया वो तुसी भिजवा दो। शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखो। मेहरबानी। मैं माजरत चाहना, तानू पहचाने आना ही। तुसी मन पहचान भी नहीं सकते क्योंकि असी दोवें पहली दफा मिल रहे हैं। वैसे बनू असलम अफ्रीका वाला कहते हैं, तो पहली दफा मैं पाकिस्तान आया। जी जी, बड़ी खुशी हुई। मैं की खिदमत कर सकना हूँ? नहीं नहीं, मैं तो किसी काम नहीं आया। मैं तो तुम्हें इस रेस्टोरेंट की मुबारकबाद देने आया जिहड़ा तुसी शहर च बनाया हुआ। वैसे मैं दुनिया के 50 मुल्क फिरे हुए ने, पर इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट मैं किधरे भी नहीं देखा। ओ जी, बस इवें जो दिमाग च आया बना दिता। लो जी, फिर मैंने इजाजत। नहीं नहीं, एडी भी कैडी छेती है, मेरे नाल चाह दी प्याली ते पियो। असल च मैं नाश्ते का आर्डर देता हुआ सी। चलो थोड़ी चाह भी पी लें। मैं समीना, दो कप चाह दे भिजवा दे अच्छी जाई। मेहरबानी जी। वैसे तुहानू ये जान के हैरत होएगी कि मेरे बुजुर्गों का तालक भी शहर नाल सी। अच्छा? मैं कोई 3-4 साल का होवांगा कि दादा जी अफ्रीका चले गए। असी भी जद्दी पुश्ती इत्थों दे रहने वाले हाँ, बल्कि साढ़े मुहल्ले का नाम भी मेरे दादा जी के नाम पर रखा गया सी, मुहल्ला नूरुद्दीन। ते तुसी शेख नूरुद्दीन साहब दे पोते हो? की नाम सी तुहाड़े वाल साहब दा? शेख 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 कुतुबुद्दीन। वाह मेरे रब्बा, किस वेले आके मेरी मदद की थी है। मदद? मैं समझिया नहीं। नहीं, मैं समझाना तुहानू। मेरे वाल साहब तुहाड़े वाल साहब दे नाल पढ़दे सन, बड़ा याद करदे सन, उन्होंने खतों किताबत भी चलती रहती सी। कितने ने तुहाड़े बुजुर्ग? मैं उन्होंने मिलना चाहवा। वो तो 6 साल हुए गुजर गए ने। ओए शिट, अबा जी ने भी फोत होया, 8 साल हो गए ना। दुनिया इसी का नाम है। अच्छा, तुसी दस्या नहीं किस सिलसिले तशरीफ ले आयो? दरअसल मैं सोने के जेवरात बनाने के कारखाने लगाने का इरादा लैके आया हूं। इतने अच्छा तुसी दस्या नहीं पहलू की कदों चले गए सन अफ्रीका? कहिंदा सी कोई 50-1 साल हो गए। आज तुसी बहुते लेट नहीं आए? अल्लाह दी मेहरबानी नाल काम एना एक वाद गया वे कि सोचना पया हुण रेस्टोरेंट 24 घंटे खुला रख्या करा। फिर तो तुसी घर आया ही नहीं करोगे, है ना? हो नहीं बलिए लोके, सोचना पया रात की शिफ्ट लई एक मैनेजर रख लेवा, बल्कि कल इश्तहार देन दा सोचिया वे। जदों दा तुसी ये काम शुरू किया असी ते कैद हो गए इत्थे। बाजी कई बार फोन कर चुके हैं कि असी उन्हां दे कोल लौर हो आईए। ते तू बच्चियां नूं लेके चली जा। तुसी क्यों नहीं चलते साडे नाल? फिर ओए दस्या ते है कि मैं एक मिनट लई भी रेस्टोरेंट नहीं छड़ सकता। ए एना सोना जो काम चल रहा वे ए सिर्फ इस करके कि मैं हर वेले मुलाजमा दे सिर ते बैठा रहना। जो मर्जी आए करो, मेरी ते कदी नहीं सुनी तुसी। नोट कर लेता ही मिस समीना? जी सर। ए इश्तहार अतवार नु हर सूरत छपना चाहिए। छप जासी सर। ओके मिस समीना।
ओके सर। सलाम अलैकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। आओ असलम साहब, कितने सो? शेख साहब की दसा कहना रोल लेंच पे आए हैं। खैर तुसी दसो कैसे हो? परेशान लगते हो, खैर ते है ना? आहो सब खैर ही है। वो तो आनू फैक्ट्री का दसिया सी, एनओसी मिल गया मैनू, बस एक जमीन का मसला रह गया बाकी। जमीन की परेशानी है? मैं शहर तो बार एक जगह पसंद की थी है, पर वो बंदा पैसे बड़े मांगता। उन्हें पता लग गया होगा कि जनाब अफ्रीका तो तशरीफ ले आए ने, ते सोने दे जेवरात बनाने की फैक्ट्री लगान लगे ने। शायद, पर जमीन में ओही लेनी। मैं की खिदमत कर सकना? शेख साहब तुसी उस बंदे नाल चल के गल करो कि 20 लाख मान जावे, वैसे वो बंदा 25 लाख तो तले नहीं आ रहे। चलो मैं करना वा कोशिश। शेख साहब फिर होनी चलिए प्लीज। चलो ठीक है। मैं समीना, मैं घंटे वास्ते कितने बाहर जा रहा हूँ, ख्याल करी जरा। चलो असलम साहब। हाँ सर। अच्छा तो फिर की बंदा बड़ा लालची जहा लगा मैनू। बहरहाल भी ते नहीं पर 22 लाख सौदा हो गया वे, ते असलम साहब ने उसी वेले बयाने दे 10 लाख भी फड़ा दिते उन्हों। ते बाकी दे 12 लाख? उन्हां दे पैसे आन वाले ने अफ्रीका तो, ओदो दे देंगे। गल सुनो, मैं सुना वे अगर बयाना दे के बकाया रकम मुकरा तारीख ते ना दे सकन, ते बयानी दी रकम जब्त हो जांदी है। बिल्कुल ठीक सुना वे तू, बल्कि असी ते इस किस्म दी तहरीर भी दे के आया। चलो अल्लाह करे वो अपने मकसद विच कामयाब। आमीन। बीबी जी, कोई असलम साहब आए ने अमेरिका वाले। ओ अच्छा, अफ्रीका वाले, जानो नु बुला। सलाम अलैकुम भाभी जी। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखो। शुक्रिया। मैं पहले रेस्टोरेंट ही गया सा, पर उतो पता लगा कि शेख साहब कराची गए हुए ने। फिर मैं सोचा जो अमानत मैं जिस वास्ते लई फिरना वा ओनू पहुंचा दे। अमानत? ओ असल च अफ्रीका तो आंदे हुए मैं कुछ सैंपल लाया सा,